लगेगा निश मन के। राजगढ़ जाने के लिए आपको कालका शिमला हाईवे रोड को फॉलो करना है। अब हम चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास आ गए हैं और इस टोल प्लाजा को क्रॉस करके हम इसी रोड को आगे फॉलो करेंगे धर्मपुर तक। फ्रेंड्स, वैसे तो आप लेफ्ट साइड इस रोड से भी जा सकते हैं कालका पिंजोर होते हुए, लेकिन हम जाएंगे हिमालयन एक्सप्रेसवे रोड से। दिस वन इज बेटर ऑप्शन अगर आपको सोलन, राजगढ़ या शिमला जाना है। सो दिस रोड इज वेरी गुड, सो आप इसी रोड को फॉलो करें। ये हिमाचल का टोल टैक्स है, यहाँ से हिमाचल की एंट्री होती है एंड यू हैव टू पे 40 रुपीज फॉर दिस। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर से रोड आ रही है ये कालका पिंजोर की तरफ से आ रही है, लेकिन हमने बाईपास रोड को फॉलो किया था, लेकिन आगे आकर ये इस पॉइंट पे रोड मिल जाती है और अब इसके आगे हम अपने रास्ते को फॉलो करते हैं धर्मपुर के लिए। फ्रेंड्स, हम सनवारा टोल प्लाजा के पास आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ये कसौली की तरफ जाती है रोड। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बारी बर्फ सोलन कसौली तक पड़ी है और आप ये राइट हैंड साइड देख सकते हैं वाइट वाइट स्पॉट और ये बर्फ है एंड वी आर वेरी नियर टू कुमारहट्टी। सो हम सोलन की तरफ से नहीं जाएंगे राजगढ़ के लिए, कुमारहट्टी से एक रोड निकल जाती है पोच घाट की तरफ। सो हम आपको आगे आके वो रास्ता दिखाते हैं। ओ भाई साहब, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने कितनी बर्फ पड़ी हुई है, तो इस बारी बर्फ तो रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है। फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट से राइट टर्न लेंगे टूवर्ड्स जो नाहन वाली रोड जाती है। हमने अब फॉलो करना है नाहन वाली रोड को एंड दैट वन इज शॉर्टकट अगर आपको राजगढ़ जाना है। सो आगे आकर आपको कहां से मुड़ेंगे हम ये भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोग बर्फ देखने के लिए शिमला चले जाते हैं या मनाली चले जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के पास राजगढ़ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। आप राजगढ़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राजगढ़ के आगे आप बर्फ़ का इंजॉय दे सकते हैं। सो इसलिए हम फ्रेंड्स ये वीडियो बना रहे हैं और आपको राजगढ़ में पहुँच के उसकी आगे की बर्फ़ वाली वीडियोज भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आगे आगे आपको एक बोर्ड दिखेगा जो कि शूनी यूनिवर्सिटी की तरफ जो रोड जाएगी, आपको वहां से लेफ्ट ले लेना है और इस रोड को सुल्तानपुर रोड भी बोलते हैं। सो आपको सुल्तानपुर वाली रोड को या शूनी यूनिवर्सिटीज वाली रोड को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं शूनी यूनिवर्सिटी, सो आपको इसी रोड को फॉलो करना है राजगढ़ के लिए और ये रोड जो निकलेगी ओज घाट की तरफ निकलेगी। फ्रेंड्स, हम राजगढ़ रोड पर आ गए हैं और यही रास्ता आगे बड़ू साहिब की तरफ भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बर्फ दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, राजगढ़ हम पहुंच गए हैं। ये जो राइट हैंड साइड आप ये जो घर देख रहे हैं ये मेरी सिस्टर का घर है और यहाँ से राजगढ़ की सीमा स्टार्ट होती है और ये राइट टर्न लेंगे और ये ट्रेडिशनल ओल्ड घर है, दिस वन आल्सो माय सिस्टर हाउस। सो फ्रेंड्स, चलिए। इशवन किसका घर है? बुआ का। ऐसे से बोल कि देखिए ये है मेरी बुआ का घर। तेरे लिए गाना भी लगा के रखा मैंने। ये तो मस्त है, काम भी कर रहे हैं, खाने सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। सो फ्रेंड्स, ये है राजगढ़। तो यहाँ पे बर्फ पिघल गई है और आपको थोड़ी देर में और ऊपर हम जाएंगे तो आपको ऊपर बर्फ दिखाएंगे।
तो ये फ्रेंड्स राजगढ़ है, ये लगेगा निशमन के। उत्तरी तो ये हमारे जीजा जी बोन फायर का इंतजाम करते हुए शाम के लिए। बोन फायर के लिए लकड़ियां तैयार करते हुए फ्रेंड्स, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव इन हिमाचल लाइक दिस, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है क्योंकि तारों पे बर्फ का वेट हो जाता है। तो अभी ये लंच टाइम, तो लंच करके फिर आपको लेकर जाते हैं जहाँ पे बहुत भारी बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ लेके जाते हैं। यहाँ पे तो अभी है कड़ाके की धूप है, सो खाना इंजॉय करते हुए हम। तो ये है घर के अचार, पहाड़ों के स्पेशल मिक्स अचार, ये मिक्स अचार है, गाजर चिल्ली, ठीक है जी, वाह वाह। ये है पूरा हिमाचली स्टाइल में लंच। चलो सर, हम तो लंच कर रहे हैं, आप ही कर लो। फ्रेंड्स, आराम करने के बाद और खाना खाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं चूड़ाधार की तरफ। ये राजगढ़ से कुछ ही दूरी पर है और चूड़ाधार में काफी बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन चूड़ाधार से आगे बर्फ बहुत ज्यादा है कि वहाँ पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी स्किड्स कर रही है। तो हम चूड़ाधार से आगे तो नहीं जाएंगे, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। लेकिन हमने आपको बोला था कि हम आपको राजगढ़ में बर्फ दिखाएंगे, तो ये राजगढ़ से बहुत ही पास में एक जगह है चूड़ाधार, तो हम आपको चूड़ाधार में पड़ी बर्फ दिखाने के लिए वहाँ पे लेके जा रही है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रोड पे भी बर्फ जमी हुई है, तो इस तरह की बर्फ ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है जहाँ पे गाड़ी स्किड्स होती है। तो अभी हम यहाँ से बहुत ध्यान से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गाड़ी के टायर स्किड हो रहे हैं क्योंकि हम जमी हुई बर्फ के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, आप जब भी बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाएं तो बहुत ही गाड़ी आपको बहुत स्लो चलानी है, गाड़ी को एक्सीलरेट नहीं करना है क्योंकि वो एकदम से टर्न हो जाएगी जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लो जी, हमारी ये इस ऑल्टो गाड़ी की आगे जो गाड़ी है ये फंस गई है बर्फ में। अब लगाएंगे ये लोग धक्का, तो धक्का लगाना ही एकमात्र यहाँ पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपकी गाड़ी इस जगह पे फंस गई हो। तो वो आपकी गाड़ी तो निकल गई है, ओहो ये गाड़ी भी फंस गई है। अरे अरे अरे, बच्चों के साथ लेडीज है, एक मिनट हम भी निकलते हैं। निकल गई गाड़ी, इनके भी निकल गई। तो ये अक्सर प्रॉब्लम आती है हिमाचल में। मुझे डर था कि शायद मेरी गाड़ी भी फंस जाए, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ से निकल गई है। लेकिन आपको यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी को ज़्यादा एक्सीलेट नहीं करना है। जहाँ पे आपने गाड़ी को ज़्यादा एक्सीलेट किया, गाड़ी आपकी वहीं घूम जाएगी और स्किड करके लेफ्ट राइट कहीं पर भी जा सकती है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखें। लो जी, तो लगता है वो सामने सबसे आगे वाली गाड़ी फंस गई है बर्फ में, तो अब उसको भी धक्का लगाएंगे और निकालेंगे। ओ भाई साहब, यहाँ तो काफी ठीक ठाक बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे तो काफी ठीक ठाक स्नो पड़ी हुई है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो भाई साहब यहाँ फंस जाएंगे।
यहाँ पे मेरे कजन की गाड़ी ये फंस गई है, जीजा जी और बच्चे धक्का लगाते हुए निकल गई भाई, निकल गई। चलो अब हम भी गाड़ी को निकालते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फंस गई हमारी गाड़ी। ये देखिए सर, जैसे ही मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, देखा राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे जाती है। तो यहाँ कभी भी गलती ना करें, गाड़ी को रोक दें और धक्का लगाकर ही गाड़ी को यहाँ से निकालें। अब हम हल्की हल्की स्पीड से यहाँ से निकलेंगे। ये गाड़ी, ये देखिए कैसे राइट साइड को गई। नहीं भाई, गाड़ी फंस गई है, बच्चों को बुलाना ही पड़ेगा। तो गाड़ी नहीं निकल रही है, सोचा था निकल जाएगी बिना धक्के के, बट इस बार ही नहीं निकली। लगा दो जोर लगा के, है ईशा। तो ये गाड़ी निकल गई है, निकल गई गाड़ी। यहाँ पे हमारे कजन वेट करते हुए। तो भैया हम तो इस गाड़ी के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हिमाचल के ड्राइवर्स हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं बर्फ में यहाँ पे चलने के लिए, तो इन्हीं को ही आगे जाने देंगे। यहाँ पे हमने गाड़ी रोक दी है और इसके आगे अब हम पैदल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गाड़ी को साइड में पार्क कर दिया है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत रिस्की है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, दिस इज़ रोड। तो यहाँ पे तो गाड़ी बिल्कुल ही चलना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ है। तो ये जीजा जी, दीदी, निशा, निशमिन, और आप देख सकते हैं बर्फ। हमने आपको कहा था कि बर्फ दिखाएंगे राजगढ़ में, तो ये राजगढ़ से थोड़ी सी थोड़ा ऊपर आके आपको इस तरह से बर्फ दिखेगी। आप देख सकते हैं बर्फ, ये देखिए बर्फ ही बर्फ है। आप देख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस बर्फ में एंजॉय करते हुए। निशमन, कैसा लग रहा है बर्फ में चल के? अच्छा। ये बर्फ देख सकते हो आप। नमस्कार भाई जी। और अभी यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढाबा, और अब हम पियेंगे यहाँ पे चाय और मैगी का ऑर्डर किया। वाह 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 वाह, मजा आ गया। बर्फ में टेबल, हाथ में चाय, और एक हाथ में चाय। पियो पियो, आपकी भी आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, देखो बर्फ, हाथ में चाय, मजा ही आ गया। और एक हाथ में बर्फ। ये निशमन की फर्स्ट बर्फ है, फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है निशमन ने। भाई मैं आपको थोड़ा और ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। नाउ आई एम गोइंग अलोन बिकॉज ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट चलते हैं। यहाँ से रास्ता है, फुटप्रिंट्स जहाँ पे हैं उसी को फॉलो करते हैं। दो बार गिर गया मैं यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ, इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर। फ्रेंड्स ये देखिए, बिल्कुल हाइट से आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। व्हाट अ व्यू! यहाँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए देखो कितना ऊपर आया हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये पहाड़।
ये चूड़दार के पहाड़ है और यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, लेकिन अभी तो रास्ते बंद हैं। वाओ, ये तो भाई निशमन जी का स्नोमैन विद मास्क। वाओ, सो निशमन मजा आ गया ना बर्फ देख के? चलो तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैंने आपको बर्फ दिखाई है। और फ्रेंड थोड़ा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, तो मैं आपको और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग पैदल ही जाते हैं और नीचे से ऊपर। यू कैन सी, कैसा लग रहा है आपको बर्फ में? मैम बोल ही नहीं रहा कुछ। वेरी गुड, यस। As you can see, finally we are in the snow. और आप सी स्नो देखे कि स्नो, इतनी स्नो है यहाँ पे, मजा आ गया इस स्नो में। फ्रेंड्स, स्नो देख के हम वापस आ गए हैं। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप बर्ड लवर्स हैं या बर्डिंग करना पसंद करते हैं तो आप राजगढ़ में आ सकते हैं। दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग। और जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल जहाँ पे मेरी दीदी का घर है उस पहाड़ी पे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं, आप यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए भी आ सकते हैं। ये सीमेंटेड हाउस है और पहले वाला लकड़ का था। अब हम कर रहे हैं समोसा पार्टी और ये देखिए इन हाउस, क्या बोलते हैं जीजा जी इसे? इसे बोलते हैं रॉकेट स्टोव, स्मोकलेस। तो ये देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, यहाँ से पड़ती है लकड़ और ऑटोमेटिकली ये चलती है। अंदर दिखाते हैं, खोल के देखो अंदर से लकड़। ये देखिए कितनी आग है, कोई बाहर धुआं नहीं है इसमें। हाँ, अंदर कोई धुआं नहीं है और बाहर इस टाइम इतना टेम्परेचर है और अंदर बहुत कम टेम्परेचर है। तो इस तरह से ये जो धुआं है वो बाहर निकल जाता है छत के ऊपर से। चलो जी, अब हम करते हैं समोसा पार्टी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको राजगढ़ कैसा लगा है ये प्लीज आप हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशमन गर्चा एंटरटेनमेंट।